अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहां पे, यदि देखा जाए तो अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी सेवरली कॉन्टामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म से भरा हुआ है, ठीक है सिंपल। अब देखो सपोज टू बी कार्किनोजेनिक इन नेचर, ठीक है ये कार्किनोजेनिक नेचर का है, और द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm बाय मास, ये आपको दे दी गया 15 ppm, मतलब समझते हो ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना, पार्ट्स पर मिलियन होता है सिर्फ। अब देखो यहां पे ध्यान समझना, अब क्या होगा, ये बाय मास दिया हुआ है और लिखा हुआ है पहला एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास, हमें क्या एक्सप्रेस करना है, परसेंट बाय मास में हमें इसको एक्सप्रेस करना है। तो समझना यहां पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, मतलब 15 ppm का मतलब समझ रहे हो, 15 ppm मींस है सिंपल यहां पे कि जो आपको मतलब जो दिया हुआ है 15 पार्ट्स वो प्रेजेंट होगा 10 to the power 6, ठीक है ना, यही होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना, 10 to the power, ये 15 पार्ट जो प्रेजेंट है 10 to the power 6 में प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, ठीक है ना, इतना प्रेजेंट है। मतलब यहां पे भी बात की जाए, यदि हम बात करें यहां पे क्या पूछ रहा है, यहां पे एक्सप्रेस दिस इन टर्म परसेंट बाय मास, तो देखो परसेंट बाय मास निकाला जाए तो एक बात आना आप सिंपल, पूरा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 10 to the power 6, जिसमें कितना प्रेजेंट है 15 डिवाइड बाई, यहां पे डिवाइड बाई हो जाएगा 10 to the power 6, ठीक है ये हो गया। अच्छा परसेंट परसेंट निकाल लें तो 100 से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा, देखो जब आप इसको निकालेंगे तो ये आएगा समथिंग 10 to the power 6 ऊपर जाएगा तो 10 to the power -4 हो जाएगा, 10 to the power -4 और ये 10 to the power 2 सॉरी 10 to the power -6 और 10 to the power -2 कितना हो गया 10 to the power -4 हो गया, तो यहां पे कितना हो जाएगा 15 into 10 to the power -4, ठीक है, या आप ऐसे निकाल सकते हो उसको 1.5 into 10 to the power -3%, ये आ गया आपका सिंपल मास परसेंट, ठीक है ये आ गया 1.5, मतलब हमने 10 से डिवाइड कर दिया यहां पे, तो सिंपल क्या हो गया 1.5 हो गया इंटू 10 to the power -3 बचा, ये तो आपका सिंपल हो गया। अब देखो ये आपका क्या आ गया, मास आ गया, अब हमें क्या निकालना है, क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है, यदि हम क्लोरोफॉर्म की बात करें, मोलर मास की बात करें या मॉलिकुलर मास की, तो देखो क्या आएगा मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर मास जो क्लोरोफॉर्म का है, ये क्लोरोफॉर्म के क्या आ गए सिंपल परसेंट बाई मास आ गया। अब देखो यहां पे जब मॉलिकुलर मास निकालेंगे क्लोरोफॉर्म का तो देखो क्या आएगा सिंपल 12 + 1 + 35.5 × 3, तो कितना हो गया 13 प्लस यहां पे कितना हो गया 35 + 15 कैरी आई 1, 35 + 15 = 1 16 कैरी आई 1, और यहां पे कितना हो गया 33 + 9 = 10 106.5, और ये 13 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, ये आ गया सिंपल आपका 119.5 आ गया, ठीक है इस तरीके से हमने लिख लिया। अब देखो अब मैं यहां पे मोल्स की बात कर लेता हूं, मोल्स कैसे आएंगे, तो देखो मोल्स कैसे आएंगे, मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म की बात करें, देखो मोल्स में क्यों निकाल लो, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मोलैलिटी पूछ रहा है ऑफ क्लोरोफॉर्म इन दी वाटर सैंपल, तो देखो मोलैलिटी के लिए क्या होता है, आपको भी पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना सिंपल यही होता है, या आप सॉल्वेंट इन केजी लेते हो तो ये हमने मोल्स निकाल लेंगे यहां पे, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मास तो ये दिया हुआ है 1.5 × 10 to the power -3 g × 10 to the power -3 डिवाइड बाई, अब यहां पे ये कितना है 119.5, ठीक है ना, इसका मोलर मास हो गया तो ये मोल्स आ गए, ठीक है ना, हमने क्या किया सिंपल यहां पे हमने जो किया है वो है मास अपॉन मोलर मास बोलो या इसी को मॉलिकुलर मास बोलो, ठीक है कुछ भी बोल सकते हो। अब क्या होगा देखो इसको सॉल्व करना है, तो हम एक काम करते हैं इस पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर देते हैं,
ठीक है, तो कैंसिल करने के बाद क्या हो गया यहां पे 1.5 तो हट गया, तो यहां पे बचा 15 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाई 1195, ये बचा। अच्छा एक बात बताना, यहां पे हमने 1195 लिखा, ये 15 लिखा, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कर लेता हूं। देखो कैलकुलेशन कैसे करोगे, आसान। 1195 यदि मैं यहां पे 1200 कर दूं, देखो 1195 है, 5 ही तो ज्यादा है, तो इतना कोई अप्रोक्सीमेशन में फर्क नहीं आएगा, तो मैंने इसको 1200 मान लिया। मतलब जो 1195 को था वो मैंने क्या मान लिया, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कैलकुलेट होने के लिए 1200 मान लिया, कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। क्या हो जाएगा देखो, यहां पे 15y 1200 इंटू 10 टू द पावर -3। देखो एक बात ध्यान रखना, केमिस्ट्री तो यहीं पे खत्म हो गई, मास परसेंट हमने निकाल दिया, ये सब बता दिए, ये कैलकुलेशन है, अब आपको कैलकुलेट करना है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इतने झमेले में मत पड़ो, आंसर निकालना है तो आंसर आ जाएगा। यदि थोड़ा बहुत यहां वहां चलेगा तो वो गलत नहीं होता है, बोर्ड उसको एक्सेप्टेबल मानता है। ठीक है, क्योंकि उसे भी पता है कैलकुलेशन टिपिकल हो जाती है। अब देखो ये आपको पता है 15 जा है ना, 20 120, तो ये 80 बचा, तो कितना हो गया, ये हो गया सिंपल आपका 1y 80, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, अब क्या होगा देखो, तो कितना आया था 1y 80 इंटू 10 टू द पावर -3, तो देखो यहां पे लिख देता हूं मैं 1y 80 इंटू 10 टू द पावर -3। देखो दो काम है, अब आपको मैं इसको डिवाइड करके दिखा देता हूं, ठीक है, आप भी डिवाइड कर सकते हो, और यदि आपको डिवाइड आता है तो आप क्या कर दें, चीजों को स्किप कर दें, आप खुद से भी कर सकते हैं या आप आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा यहां पे, ध्यान समय ना ध्यान से, अब होगा क्या बच्चा, यदि मैं इसको एक काम करता हूं, इसको 1y 8 कर देता हूं, ये 10 ऊपर ले जाता हूं, जो 10 टू द पावर -4 कर देता हूं, ठीक है, मोल्स की बात कर रहा हूं, ये सारे ये क्या निकल के आएंगे, मोल्स आएंगे, मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, वो भी किसके, मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म निकल के आएंगे। अब क्या होगा यहां पे, ये आ गया 1/8 इंटू 10 टू द पावर -4। अब आप क्या करोगे, ध्यान समझना, यहां पे ये तो आ गया, अब डिवाइड करते हैं अपन, तो डिवाइड कैसे करेंगे देखो मैं आपको करके दिखा देता हूं, एक डिवाइड तो 8 और यहां पे कितना था 1, तो ये एक बार तो जाएगा नहीं, ठीक है, एक बार तो जाएगा नहीं, तो क्या लगाया हमने, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगा दिया यहां पे, तो यहां पे 0 आ गया, तो 8 बन जाए 8, कितना बचा 2, फिर 0 लगाया, 8 2 16, ठीक है, फिर 0, फिर कितना आ गया 4, फिर क्या आया 0 लगा, 8 5 जा 40, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो सिंपल कितना आ गया, तो ये आ गया आपका, यदि आप देखोगे यहां से निकल के आ गया सिंपल 1.125 इंटू 10 टू द पावर -4। हम एक काम करते हैं, इसको और अच्छे फॉर्म में लिख देते हैं, मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दे रहा हूं, क्या कर दे रहा हूं, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1.25 इंटू 10 टू द पावर, ये कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -5, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, ये 10 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 10 टू द पावर -5 मोल्स आ जाएंगे, ये किसके आ गए, मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म आ गए आपके, सिंपल। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी, तो ये आया आपके, लिख देता हूं मैं मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म 1.25 इंटू 10 टू द पावर -5। अब क्या करोगे, अब आप सिंपल, अब आपको मोलैलिटी निकालनी है, तो मोलैलिटी के लिए हमें मास ऑफ सॉल्वेंट पता होना चाहिए, जो मास ऑफ सॉल्वेंट है, यहां पे वाटर है, तो मास ऑफ वाटर दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर कितना है आपका सिंपल 100 ग्राम है, ठीक है, कितना है 100 ग्राम, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जब 100 ग्राम है तो अब आप निकाल लेंगे यहां पे सिंपल जो मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट
इन केजी। ठीक है, अब क्या होगा यहां पे देखो, सिंपल अपने वो वैल्यू डालनी है। तो देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, 1.25 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइड बाई। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 100 ग्राम। अच्छा ग्राम में इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1000 हमने किस में कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो कितना बचा, ये देखो, यदि देखोगे आप तो ये जीरो से जीरो, दो जीरो कैंसिल, तो कितना बचेगा, ऊपर जो बचेगा 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर -4 मोलल। क्या आएगा, मोलल आ जाएगा। तो मतलब मोललिटी निकल के आ गई, जो आपकी मोललिटी आई, सिंपल मोललिटी इक्वल टू वो कितनी आ गई, वो आ गई आपकी 1.25 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, बड़ा आसान क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको सॉल्व करने होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझते हैं यहां पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, लिखा हुआ एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन। हमें इनको किसमें कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो देखो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे करेंगे, ध्यान समझना, आपको दिया हुआ है पहला देखो 0.004। देखो पहले एक क्वेश्चन देख लो, फिर आप वीडियो को पॉज करना, और पॉज करने के बाद आप ये बाकी के खुद से सॉल्व करना, ना हो तब आप वीडियो को ऑन करना, तब आप देखना। ठीक है, ध्यान से समझना, बात छोटी सी है लेकिन बड़ी अच्छी बात है। तो देखो 0.0048 लिखा हुआ है, हमें इसको बनाना है किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। तो क्या करेंगे हम, एक काम कर दो, समझाने के लिए मैं पहला बता रहा हूं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हम क्या करते हैं यहां पे, सिंपल देखो एक तो हम 48 इंटू भी लिख सकते हैं, है ना, इंटू 10 टू दी पावर में, या हम एक काम करते हैं यहां पे सिंपल, इसमें मैं क्या कर दे रहा हूं, 0.0048 में 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा यहां पे, जब आप 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो यहां पे आप नोटिस कर रहे होंगे, ये मैं 1000 से यदि मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 4.8। ठीक है, अच्छा ये तो 4.8 हो गया क्योंकि ये जीरो यहां पे आ गया, सिंपल। अब देखो ये 10 3 0 मतलब 10 टू दी पावर 3, और जब 10 टू दी पावर 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर -3 में हो जाएगा बच्चा। तो क्या हो गया देखो, 4.8 × 10 टू दी पावर -3, ये इसका साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगा। देखो मैंने इसका आंसर भी दिया हुआ है यहां पे, आप देख सकते हैं, इंटू 10 टू दी पावर -3 इस तरीके से। ठीक है, आपको 48 नहीं है, नहीं तो आप बच्चे कुछ लोग क्या करते हैं 48 इंटू कर देते, नहीं भाई, आप साइंटिफिक नोटेशन में आपको पॉइंट लेना पड़ता है, इस बात को ध्यान रखना। ये पहला क्वेश्चन हो गया, तो आप वीडियो को पॉज करो, ईमानदारी से खुद से क्वेश्चन को करना, सॉल्व करो। ठीक है, चलो अब देखो दूसरा, दूसरा क्या है क्वेश्चन, दूसरा है 2, 3, 4, ठीक है, और 3, 0, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको साइंटिफिक नोटेशन में, इसको हम सिंपल लिखेंगे, देखो क्या करें हम, फिर से हमने क्या किया, ये पहले तो इसको हमें एज इट इज लिख देते हैं, कितना, इसको मैं लिख देता हूं 234, गुस्सा तो नहीं करोगे, इंटू 10 टू दी पावर 3 लिख दिया, गुस्सा तो नहीं करोगे ना, नहीं गुस्सा नहीं करना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड करते हैं क्योंकि हमें पॉइंट लाना है। तो हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। ठीक है, अब क्या होगा, जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो अब आप सिंपल यहां पे जो 100 से करोगे तो कितना है, 2.34 हो जाएगा, कितना हो गया यहां पे, 2.34 इंटू, अब ये कितना है, 10 टू दी पावर 3, और 2 और आ गया 0, तो कितना हो गया, 10 टू दी पावर 5। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो दूसरा सॉल्व भी हो गया, इसी तरीके सारे करने। अब देखो तीसरे की बारी, अब चलते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन पे। तो यहां पे तीसरा क्वेश्चन ये आया आपके सामने, 8008। तो देखो भाई 8008 आए हैं, तो इन सब को भी अपन सॉल्व करेंगे। तो लिखा हुआ है कैसे करेंगे, देखो अब आपको सिंपल, फिर से क्या करेंगे आप, 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड कर दो,
तो क्या हो जाएगा बच्चा, 8008 डिवाइड बाय 1000 इंटू 1000। तो कितना हो गया बच्चा, यहाँ पे ये तीन डेसिमल के बाद पॉइंट लगा दो, तो ये हो जाएगा सिंपल 8.008 इंटू 10 to the power कितना, ये हो जाएगा 3। सिंपल हो गया इस तरीके से। देखो आप देख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में आंसर भी इस तरीके से दिया हुआ है। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं फोर्थ वन। फोर्थ वन क्या बोल रहा है यहां पे, देखो फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं तो लिखा हुआ है 500.0। देखो जब ये लिखा हो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो ध्यान से समझना आप, ये तो 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करें, सिंपल 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। देखो पॉइंट के बाद वाला जीरो का तो कुछ मतलब नहीं है, तो एक बात तो आप जानते ही है। तो अब आप सिंपल यहां पे जो लिखेंगे वो आप लिख सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो 5 × 10 to the power 2, ठीक है ना, कुछ लोग ऐसा लिखेंगे लेकिन गलत हो जाएगा, आपका साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो आप क्या करें इसको लिखने के लिए, आप सिंपल लिखें 5.00 है ना इंटू 10 to the power 2। आप चाहे तो ये भी डेसिमल ले सकते हैं, वैसे भी आपको पता है इसके बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मैंने दोनों तरीके से लिखना बता दिया। अब हम देखते हैं फिफ्थ वन। फिफ्थ वन क्या बोल रहा है, देखो यहां पे समझते हैं, लिखा हुआ है 6.0012। देखो यदि अब आप नोटिस करोगे तो ये एक्चुअल में पहले से ही लिखा हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है, वो बात अलग है, 10 to the power नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर दें, देखो ज्यादा आपको प्यार आ रहा है तो इस तरीके से लिख देंगे 6.0012 इंटू 10 to the power 0, क्योंकि आपको पता है जब जब किसी भी नंबर की पावर जीरो लेते हैं तो वो कितनी होती है, वन होती है। तो सिंपल यहां भी कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, और इनके सॉल्यूशन भी पांचों के पांचों आपको दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, आप भी देख ही रहे हो कितने आसान क्वेश्चन, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, खाओ चूसो फेंको, है ना, खाए हो ना लॉलीपॉप, तो सिंपल सी बात है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, तो देखो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, ठीक है, क्या पूछ रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछ रहा है, अब ध्यान से समझना। देखो आपको भी पता है सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता था, लास्ट डिजिट में अनसर्टेनिटी आती थी, ठीक है, सिंपल हमने आपको बताया भी था। अब ध्यान से समझना, यहां पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो ए क्या दिया हुआ है, 0.0027। यदि यहां पे आपसे सिग्निफिकेंट फिगर पूछे जाएं तो आपको पता है इन जीरो का तो कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे यहां पे, सिंपल आपके जो सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे ये देख लो आप, जो आपके नॉन जीरो टर्म्स हैं, तो नॉन जीरो टर्म्स कौन है, ये है, क्योंकि आपको पता है लीडिंग जीरो वाले जितने भी जीरो होते थे उनको हम लेते नहीं थे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते थे। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 2, ठीक है, तो देखो लिखा हुआ होगा यहां पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर इस तरीके से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बी, बी देखते हैं, बी में क्या लिखा हुआ, 209। देखो 209 लिखा हुआ है, इसमें देखो आपको भी पता है सारे के सारे कैसे नॉन जीरो, अब देखो दो डिजिट के बीच में यदि जीरो आ रहा है, ठीक है, तब हम उसको काउंट करते थे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहां पे हम काउंट करेंगे। अब मैं बोलना कि सर आपने जीरो क्यों काउंट किया, तो यहां पे जो सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे 1, 2, 3 कितने आ जाएंगे, 3, मैं लिख देता हूं यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी लिख देता हूं, ठीक है। अब देखो सी लेते हैं अपन, सी क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है 6005। अभी भी हमें लेना पड़ेगा, देखो हमने पहले बोला था आपके सिंपल यदि दो नॉन जीरो टर्म्स के बीच में क्या आएगा, जीरो आएगा, तो हम उसको कैस में काउंट करेंगे, हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। तो यहां भी कितना हो जाएगा, सिंपल 4 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से देखो डी वाला देखते हैं क्या बोल रहा है, डी लिखा हुआ है 136.30। तो यहां पे आप जब सिग्निफिकेंट फिगर की बात करोगे
तो एक्चुअली नॉन जीरो टर्म्स देखो, एक दो तीन है, ये जीरो नहीं लेंगे, क्योंकि यदि आप इसको लिखोगे भी साइंटिफिक नोटेशन में तो 136 इंटू 10 टू दी पावर 3 के फॉर्म में, इसको तो हमें लेना ही नहीं है, ठीक है। तो बचा गया 136, यही वाले टर्म्स हैं आपके, तो यहां पे कितने हो जाएंगे, यहां पे हो जाएंगे तीन, क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्या बोल रहा है, डी हो गया, अब ई पे आते हैं, 900.0, ठीक है। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, एक दो तीन चार, कितने हो जाएंगे, चार, सिंपल। तो देखो यहां पे जो होंगे चार सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, ठीक है। एफ देखते हैं यहां पे कितना है, 2.0035, यदि यहां पे बात की जाए तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, एक दो तीन चार पांच, कितने हो जाएंगे, पांच सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, तो इसका भी आंसर हो गया 5। तो बड़ा ही आसान है, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना बड़ा ही आसान है, कुछ है ही नहीं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गए होंगे, तो बड़े ही आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं अब तो, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं सी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। देखो उसने क्या बोला, राउंड अप करना है हमें, वो भी कहां तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो ध्यान से समझना यहां पे कैसे राउंड ऑफ करेंगे। तो देखो पहला लिखा हुआ है, यदि देखा जाए क्या लिखा हुआ है, 34.216, ठीक है, हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेना है। तो आपको पता चलो 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहां कंप्लीट हो गए, यदि आप देखोगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहीं पे कंप्लीट हो गए, 34.2। देखो पहले एक क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूं, फिर दूसरा आप करेंगे, अब आपको 3 तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, अब आपको उसका पड़ोसी को देखना है, पड़ोसी घर में देखे हो, जहां के हो ना, जाते हो चॉकलेट खिलाते हैं आपको आंटी जी या अंकल जी आपको कुछ लेके आते हैं, इसी तरीके से देखो तो हमें पड़ोसी के घर में देखना है, ठीक है। तो आप तो ये जानते हो बहुत अच्छे से, यदि पड़ोसी के घर में 5 से बड़ा नंबर है तब तो एक डिजिट हम यहां पे ऐड कर देंगे, ठीक है ना, एक डिजिट को इस वाले में ऐड कर देंगे, यदि 5 से छोटा नंबर है तब हम एक डिजिट, तब हम एजिटेज नंबर रखेंगे, क्या रखेंगे, एजिटेज नंबर। तो यहां पे जब सिग्निफिकेंट फिगर लिखोगे यहां पे कितना आएगा, 34.2 आ जाएगा यहां पे, सिंपल, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो नेक्स्ट बी पे चलते हैं, बी लिखा हुआ है आपका 10.4107। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा, देखो जब आप करोगे तो सिंपल, देखो 3 डिजिट चाहिए अपने को, 3 डिजिट तो यहीं पे कंप्लीट होगी 10.4, ठीक है, यही सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, अच्छा 3। अब देखो इसके बगल वाले पड़ोसी को देखा, ये भी 5 से छोटा है, ठीक है, जब जब 5 से छोटा होगा तो एजिटेज नंबर रखेंगे, और जब जब 5 से बड़ा नंबर होगा तब हम एक नंबर को ऐड कर देंगे। तो देखो यहां भी आपका जो आएगा वो क्या आएगा, 10.4 आ जाएगा, इस तरीके से। अब देखो सी पॉइंट देखते हैं, सी वाला क्या बोल रहा है, 0.04597। देखो यहां पे कैसे बताएंगे, अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक बताना है, तो देखो यहां पे कितना होगा, ये 9 है, 9 एक ऐड हो जाएगा यहां पे, तो कितना हो जाएगा, 5 की जाए 6 हो जाएगा, 5 से नंबर बड़ा है तो सिंपल यहां पे क्या हो जाएगा, 0.0460, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर में। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं डी वाला क्या बोल रहा है, 2808। तो देखो यदि इसका हमें सिग्निफिकेंट फिगर देखना है तो आप एक बात आना, ये कितना लिखा है, 2808, तो अब आपको पता है 5 से बड़ा नंबर, 3 डिजिट तो यही हो गए, ये चौथा है, ये 5 से बड़ा नंबर है, जब 5 से बड़ा नंबर है तो क्या हो जाएगा, मतलब 8 है, 8 मतलब 5 से बड़ा है, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, यहां पे एक बन ऐड कर देते हो, इसको 0 लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, सिंपल यहां पे हो जाएगा 2810, क्या हो गया, 2810। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि देखो इसी तरीके से हम, तभी तो आपने देखा होगा मैं कैलकुलेशन में भी 1195 1196 को हम क्या ले लेते थे, 1200 ले लेते थे, सिंपल सा, क्यों, क्योंकि इसी फंडे से लेते थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी, देखो सॉल्यूशन के आंसर भी दिए हुए हैं, बिल्कुल एक बात ध्यान रखना, इसके सॉल्यूशन में थोड़ा आंसर गलत है, तो मैं इसको सही कर देता हूं बच्चा, है ना, यहां पे जो आंसर होगा इसका वो होगा 28/10, ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखना।
ठीक है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान समझना क्या लिखा हुआ है। द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड व्हेन डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। ठीक है भाई, दो डिफरेंट कंपाउंड बना रहा है ना। तो अब क्या होगा, तो देखो जब डिफरेंट कंपाउंड बना रहा है तो अब ये पूछ रहा है यहां पे मास ऑफ डाई ऑक्सीजन दे दिए, मास ऑफ डाई नाइट्रोजन दे दिया 16 ग्राम, 14 ग्राम, 32 ग्राम, 14 ग्राम, 32 ग्राम, 28 ग्राम, 80 ग्राम, 28 ग्राम। ठीक है, फिर यहां पे पूछ रहा है ए ऑप्शन में एक क्वेश्चन लिखा हुआ, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ऑबेड बाई द एबव एक्सपेरिमेंट डाटा, गिव इट्स स्टेटमेंट। तो देखो यहां पर ध्यान से सुनना, यदि यहां पर दिया गया है क्या 16 ग्राम दिया हुआ है, यदि आप देखोगे सिंपल ये डाई ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, ठीक है। तो आप देखोगे 16 रेशियो हम यहां पे लिख दे रहे हैं, सिंपल आपके रेशियो निकाल रहा हूं, देखो तो 16 यहां पे लिख दिया, ठीक है, और यहां पे लिख देता हूं मैं 32, ठीक है, फिर यहां पे लिख देता हूं फिर से रेशियो निकाला 32 रेशियो 80। ध्यान समझना, ध्यान से देखो यहां पे क्या रेशियो आ रहा है, ये आएगा 1:2, ठीक है। यहां पे क्या आ रहा है, ये आएगा आपका सिंपल 16 टू जा कितना हो गया, 16 टू जा हो गया आपका सिंपल 16 टू जा हो गया 32, और 16 फाइव जा कितना हो गया बोलो, 16 फाइव जा हो जाए 80, तो 2:5, ठीक है। यदि आप इसको देखेंगे तो ये किसको ले रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहां पे भी आप देखोगे सिंपल सी बात, तो नाइट देखो इसका मास तो फिक्स है, एक का मास फिक्स होना चाहिए, दूसरे का मास क्या होना चाहिए था, वेरी होना चाहिए था, उनके जो होल रेशियो आते थे वो किसमें आने चाहिए थे, सिंपल होल रेशियो में आना चाहिए थे, किसमें, सिंपल होल रेशियो में आने चाहिए थे, सिंपल या सिंपल होल नंबर में क्या आने चाहिए थे, उनके रेशियो आने चाहिए, ठीक है ना, सिंपल होल नंबर रेशियो। तो ये क्या फॉलो करेगा, तो इट्स फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सिंपल के, क्यों, एक का मास फिक्स है, दूसरे का मास वेरी कर रहा है, और जब आपने उसका वो लिया रेशियो लिया तो वो क्या आ रहा है, सिंपल होल रेशियो में आ रहा है, ठीक है। अब आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसी के साथ इसका देखो दूसरा ऑप्शन एक और जुड़ा हुआ है, पूछ जुड़ी हुई है, देखो क्या पूछ रहा है, फिल इन दी ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो ठीक है, वो पूछा 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, फिर हमें उसमें ही बताना है पिकोमीटर भी बताने कितने पिकोमीटर होते हैं। तो देखो यदि हम बात करें यहां पे, आपको पता है 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं, सिंपल सा मैं बात पूछा जाए यहां पे 1 पिकोमीटर में होते हैं आपके 10^-12, है ना, क्या होते हैं मीटर होते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं 1 पिकोमीटर में, देख लेते हैं 1 पिकोमीटर में होते हैं 10^-12 मीटर, ठीक है। अच्छा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं यदि आपसे पूछा जाए, तो 1 किलोमीटर में पूछा जाए तो आप बोलोगे कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। अच्छा अब मीटर में कितने, एक अब आपको पता है इसी में मिलीमीटर कितने होते हैं, यदि आप करोगे तो कहोगे एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है, क्या हो गया, 1000 मिलीमीटर हो गए। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, यदि आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये सिंपल हो गया आपका किसमें, मिलीमीटर में, ठीक है। और जब मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया तो 10^3 ये हो गया इंटू 10^3 ये हो गया, तो ये कितना आ गया निकल के, ये आ गया 10^6 मिलीमीटर आ गया, सिंपल। अब देखो ये बात क्लियर सभी को, अब देखो दूसरा वाला इसी का, 1 किलोमीटर में पिकोमीटर भी पूछ रहा है। अब आपको एक बात तो पता है, यदि सिंपल पूछा जाए 1 किलोमीटर में पिकोमीटर तो आपको पता है कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है ना, कितने होते हैं, 1000 मीटर। अब आपको जैसे मैं करना है और आपको पता है 1 पिकोमीटर में होते 10^-12 मीटर, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इनको, देखो कैसे
इनटू यहां पे हो जाएगा आपका सिंपल, ये कितना हो जाएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं जैसे 1 PM डिवाइड बाय 10 to the power -12 मीटर। देखो ये कैंसिल हो गया मीटर से मीटर, आप यहां भी कर सकते थे ऐसा नहीं, ठीक है आप यहां भी कर सकते थे। तो देखो मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये 10 to the power -12 है, ऊपर जाए तो कितना हो जाएगा 10 to the power +12, और ये 10 to the power 3 है ही, और +12 और +3 कितना हो जाएगा +15, तो कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर में ये आ जाएगा आपका निकल के सिंपल 10 to the power 15 पिकोमीटर, ये निकल के आ गया। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये पहले का आंसर हो गया, किसका हो गया, पहले का आंसर ये हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, देखो दूसरा क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। देखो दूसरे में लिखा हुआ है 1 मिलीग्राम में किलोग्राम बताना है। तो देखो सबसे पहले तो 1 मिलीग्राम में ग्राम देख लेते हैं। यदि हम 1 मिलीग्राम में ग्राम की बात करें, आपको पता है जो सिंपल से कन्वर्जन है, आपको पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, और 1 ग्राम में, या मैं आप पूछे जाए तो ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं 1000 मिलीग्राम, तो 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे, तब आप बोलोगे 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे 1/1000, ठीक है ना, यही होंगे मिलीग्राम, बोलो 1/1000 होगा सिंपल, ध्यान समझना, ठीक है। अच्छा अब उसमें किलोग्राम, अब ग्राम को आप किसमें कन्वर्ट करोगे किलोग्राम में, तो फिर से आपका कितना हो जाएगा 1/1000, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा सिंपल 10 to the power 3, और 10 to the power 3 कितना हो गया 10 to the power 6, और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 to the power -6, क्या हो जाएगा बोलो किलोग्राम, सिंपल। हम एक एक स्टेप वाइज कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे, आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो रही होगी। अब ये यहां पे सिंपल देखना, 1 मिलीग्राम में ही पूछ रहा कितने नैनोग्राम होंगे, तो ध्यान से देखना यहां पे क्या होगा, देखो 1 मिलीग्राम में हमने लिख दिया भाई 1 मिलीग्राम में, आपको पता है सिंपल कितने होंगे बोलो 1/1000, तो आपके ये हो गए सिंपल ग्राम, ये तो ग्राम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा अब आपको पता है नैनोग्राम, नैनो है ये सिंपल, नैनोग्राम की बात कर रहा है, तो नैनोग्राम में कितने होते 1/10 to the power -9, मतलब कितना होगा बोलो, आप यदि देखेंगे तो 1 मिलीग्राम यदि आप इसको ग्राम में देखेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो आपके जो होते हैं नैनोग्राम 10 to the power -9 ग्राम, कितना होता है 10 to the power -9 ग्राम, तो ये हो गया सिंपल। अब देखो ये कितना है 10 to the power 3, ये कितना है 10 to the power -9, ध्यान समझना। अब ये कितना बचेगा, देखो यहां पे जब आप करोगे तो 10 to the power 3 और -9 कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका सिंपल, देखो ये बचेगा 1/10 to the power -6, ठीक है, और जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 to the power 6 नैनोग्राम, ठीक है, यहां पे स्मॉल n लिख दो, ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, नैनोग्राम में आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब देखो तीसरा वाला क्या बोल रहा है, तीसरा लिखा हुआ है 1 ml, ठीक है ना, 1 ml में देखो 1 लीटर में कितने ml होते 1000 ml होते हैं, तो आपको पता है तो 1 ml में कितने होंगे बोलो, 1 ml में हो जाएगा आपका 1/1000 लीटर, तो कितना हो जाएगा, ये आएगा आपका सिंपल 10 to the power -3 लीटर। तो देखो पहला तो ये हो गया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है दूसरा, 1 ml में कितने डेसीमीटर क्यूब होते हैं, तो देखो इसको भी करते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, जो 1 ml में यदि हम बात करें 1 cm³ होता है, ठीक है, और 1 cm³ में यदि हम इसको कन्वर्ट करना है तो आप इसको डेसीमीटर में क्यूब करेंगे तो 1/10 होता है, 1/10 डेसी होता है, तो देखो आप इसी को सिंपल करेंगे तो क्या होगा 1/10³, ठीक है, ये हो गया। तो अब ये कितना हो जाएगा 1/1000, और 1/1000 होगा तो कितना हो जाएगा बोलो, 1 cm 1/10 decimeter, सिंपल सी बात है। तो देखो ये हो गया आपका 1/10, मतलब ये हो गया 10 to the power 3, और 10 to the power 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 to the power -3, ठीक है, ये हो गया है आपका सिंपल डेसीमीटर क्यूब में, ये आंसर आपका आ गया है। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हो गया समाप्त।
अब हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। देखा जाए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाई लाइट इन 2 नैनो सेकेंड। देखो 2 नैनो सेकेंड में पूछ रहा है, अब आपको पता है सिंपल हमसे क्या पूछा, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए बड़ा आसान तरीका है। यदि यहां पे स्पीड की बात की जाए तो स्पीड दी गई है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है ना। अब देखो दूसरा यहां पे टाइम, जो टाइम दिया हुआ है डिस्टेंस कवर्ड, कैलकुलेटर डिस्टेंस निकाल लो, कवर्ड कितना टाइम, वो दिया हुआ है 2 नैनो सेकेंड। ध्यान समझना क्या दिया हुआ है, 2 नैनो सेकेंड। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, हो जाएगा सॉल्व, इसको अपन सेकेंड में कन्वर्ट कर ले तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 2×10⁻¹ सेकेंड, बस आ गया आंसर हो गया। बस अपने वो डिस्टेंस कवर निकालनी है तो बहुत आसान है। तो देखो क्या करना है आपको, आपको भी पता बचपन में बहुत क्वेश्चन किए हैं इस टाइप के, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा आपका सिंपल स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, स्पीड दिया हुआ 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 2×10⁻¹ सेकेंड। अब देखो क्या बचेगा यहां पे, जब आप डिस्टेंस देखोगे सिंपल तो ये आ जाएगा आपका निकल के 3×2 = 6 इंटू ये कितना बचेगा 10⁻¹, ठीक है, मतलब कितना आ रहा है 0.6, ठीक है ना, क्या आ रहा है डिस्टेंस आ रहा है 0.6 मीटर। तो आप देख सकते हो इस तरीके से डिस्टेंस निकल के आ गई। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, सिंपल था, आसान था, कुछ था ही नहीं, कैलकुलेशन बड़ी आसान थी, 3×2 = 6 किया बस, 6 × ये कितना बचा 10⁻¹, 10⁻¹, ये माइनस प्लस 8 कितना हो गया -1 बचा, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना निकल के आई 0.6 मीटर निकल के आ गई है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो देखो समझो यहां पे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है यहां पे लिखा हुआ है इन अ रिएक्शन आइडेंटिफाई द लिमिटिंग एजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है भाई, आपको रिएक्शन मिक्सचर दे दिया गया है, इसी रिएक्शन मिक्सचर में आपको क्या बताना है, लिमिटिंग एजेंट को बताना है। तो देखो मैं तो आपको यहीं पे बता देता हूं लिमिटिंग एजेंट को कैसे पहचानेंगे, आपको भी मैंने वहां भी अच्छे से बताया था, यहां भी अच्छे से बता देता हूं। लिमिटिंग एजेंट हम उसे बोलते हैं जो मिनिमम वैल्यू में प्रेजेंट हो, मतलब, और ये लिमिटिंग एजेंट जो लगता था वो सिंपल लगता था फॉर रिएक्टेंट ओनली, फॉर रिएक्टेंट ओनली, ठीक है। दूसरी बात, मिनिमम अमाउंट में जो होता था वही क्या होता था, लिमिटिंग रिएजेंट होता था, क्या होता था, लिमिटिंग रिएजेंट। ध्यान समझते हैं ना, वही क्या हो रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, हम समझते हैं मिनिमम अमाउंट हमें रिएक्टेंट के लिए पता चले, हमें तो दिख रहा है यहीं से, यदि मैं यहीं से आपको बताऊं तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पहचानेंगे, पहले मैं यहीं पर बता देता हूं। जैसे आपको दिया हुआ है 300 एटम्स ऑफ ए और 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, अब आप ही खुद से बताना कौन कम है, ये मॉलिक्यूल्स ऑफ बी कम है, 200 मॉलिक्यूल्स हैं और ये 300 ऑफ एटम्स ए हैं, तो अब बताओ कम अमाउंट में कौन है, 200, तो 200 कम है, तो लिमिटिंग एजेंट क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बोलो सिंपल लिमिटिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहां पे देखो, देखो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, फिर आपको कैसे बोर्ड में लिखना है वो भी लिखा देता हूं, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, सो डोंट वरी। अब देखो 2 मोल ऑफ ए + 3 मोल ऑफ बी, अब ये बताओ मोल्स किसके कम है, बोलो ए के या बी के, जिसके मोल्स कम है या जिसके मॉलिक्यूल्स कम है या जिसके एटम्स कम है वही उसमें क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा भाई। तो देखो यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट की बात की गई, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा बच्चा लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल कौन सा, बोलो 2 मोल ऑफ ए, तो लिमिटिंग रिएजेंट जो होगा वो ये होगा LR, ठीक है। अब देखो तीसरा यहां पे क्या है, ध्यान समझना, जो मिनिमम अमाउंट में यही था ए, इसलिए तीसरा वाला समझते हैं, 100 एटम्स ऑफ ए दिया हुआ है, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब सीधी सी बात है यहां पे कोई लिमिटिंग रिएजेंट ही नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यदि देखा जाए तो ये पूरा कंज्यूम हो गया। क्या हो गया? पूरा कंज्यूम हो गया, टोटली कंज्यूम इन ए रिएक्शन। ठीक है, जब ये टोटली कंज्यूम हो गया तो कुछ बचा ही नहीं, जब कोई बचा ही नहीं तो फिर हम इसमें लिमिटिंग रिएजेंट तो बता ही नहीं सकते हैं। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, 5 मोल ऑफ ए 2.5 मोल ऑफ बी। तो अब यहां पे सीधा सीधा दिख रहा है क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट 2.5 मोल ऑफ बी, क्योंकि मोल किसके कम है, आपके बी के मोल कम है, जिसके मोल कम है वही क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया। अब यहां पे देखो क्या होगा, यदि यहां पे देखा जाए तो दिया हुआ है 2.5 मोल ऑफ ए प्लस 5 मोल ऑफ बी, तो यहां पे क्या होगा, तो सिंपल हो जाएगा ये आपका, जिसके मोल कम वही लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब देखो मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूं, तो यहां पे लिखा हुआ अभी जो लिमिटिंग एजेंट की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, इट डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन। ये किसके लिए होता है, रिएक्शन में हम डिटरमाइन करते हैं, इट इज द फर्स्ट टू गेट कंज्यूम ड्यूरिंग अ रिएक्शन, जो पहले क्या हो जाएगा कंज्यूम हो जाएगा पूरी रिएक्शन में। ठीक है, अच्छा आप देखो, थस कॉजेस द रिएक्शन टू स्टॉप एंड लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। मतलब क्या होगा, इसी कोई लिमिटिंग जो लिमिट में होगा, रिएक्टेंट में जब लिमिट में है तो उतने ही प्रोडक्ट भी फॉर्म होगा। बोलो जब लिमिट में है, जैसे मान लो दो मोल है 2.5, तो 2.5 ही बनेगा, अब ज्यादा नहीं बन सकता क्योंकि लिमिटिंग यही है, फिक्स है, क्योंकि वो टोटली कंज्यूम हो चुका है। अब जो कुछ बचा हुआ है उसमें वो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का मतलब ए बचा हुआ है जैसे मान लो, तो ए वो क्या एक्सिस में है, वो पड़ा रहेगा, वो रिएक्ट किसी से नहीं करेगा। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है, जैसे पहला लिखा हुआ 300 एटम्स ऑफ ए और 200 ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, ये मैंने पहले ही बता दिया। देखो अब इस तरीके से आपको बोर्ड में लिखना होगा, एक एटम ऑफ ए रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी, सिमिलरली 200 एटम्स ऑफ ए रिएक्ट विद 200 ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। अब लेकिन उसके पास क्या थे, 300 एटम्स ऑफ ए थे, तो 100 एटम्स बच गए एक, जब 100 एटम बच गए तो ये तो अनयूज्ड हो गए, यानी आपके क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट। इस तरीके से आप देख सकते हैं, आपको यही लिखना होगा। ठीक है, नीट और जेईई के में पेपर देंगे तब आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट जिस ट्रिक से मैंने बताया है उसी ट्रिक से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है 2 मोल ऑफ ए, 2 मोल ए प्लस 3 मोल बी। ठीक है, अब क्या होगा यहां पे, जब 2 मोल ए लिखा हुआ है प्लस 3 मोल बी, देखो मिनिमम अमाउंट में क्या है, ये 2 मोल ऑफ ए, अब 2 मोल किसके साथ रिएक्ट करेगा, 2 मोल ऑफ बी के साथ रिएक्ट करेगा, तो मतलब 1 मोल ऑफ बी बचेगा जो अनयूज्ड होगा, जब वो अनयूज्ड होगा तो सिंपल किस में ले लिया जाएगा, वो आपका एक्सेस होगा, तो आपका ए क्या हो गया यहाँ पे, लिमिटिंग एजेंट हो गया। देखो लिखा हुआ अभी है, देखो 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ बी, सिमिलरली 2 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ बी, सो 1 मोल ऑफ बी इज अनयूज्ड, हेंस ए इज लिमिटिंग एजेंट। देखो भाई इसी तरीके से आपको बोर्ड में लिख के आना है, ये नहीं कि हमने स्टार्टिंग में कर दिया हेंस ए इज लिमिटिंग एजेंट कदम बाद, नहीं भाई वो तो ट्रिक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको हो जाएंगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब होंगे, लेकिन आपको बोर्ड में इसी तरीके से लिख के आओगे तभी मार्क्स देगा, नहीं तो वो मार्क्स नहीं देंगे सर, मैं पहले ही बता रहा हूं, तो इसलिए ध्यान से थोड़ी तो थ्योरी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड वाला 100 एटम्स ऑफ ए 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बाई, है ना, सॉरी यहाँ पे बी लिख दो, बाई क्यों लिख रहे हो, ठीक है बाई ही लिया गया है तो फिर बाई लिख ही लो, चलो बाई लिया ही है, तो आपको सिंपल यहाँ पे पता है कि क्या हो जाएगा, जब 100 ए बी 100 ए टोटल आपस में रिएक्ट कर गए, टोटल कम रिएक्ट कर गए तो 100% क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। ठीक है, और जब कंज्यूम हो गया तो क्या बनेगा बोलो, तो फिर कोई इसमें लिमिटिंग रिएजेंट मिलेगा ही नहीं, तो क्या नहीं मिलेगा, नो लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है ना, रिएजेंट नहीं एजेंट, नहीं तो रिएजेंट लिख दो एजेंट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट इसी तरीके से ये भी है, देखो आप लिख सकते हैं 5 मोल ऑफ ए और 2.5 मोल ऑफ बी, तो कैसे लिखेंगे, 2.5 मोल ऑफ बी रिएक्ट करेंगे 2.5 मोल ऑफ ए, तो कितने बचेंगे आपके 2.5 मोल ऑफ ए बचेंगे, जब 2.5 मोल ऑफ ए बचेंगे मतलब वो अनयूज्ड है,
और जब जब वो अनयूज्ड है यानी वो एक्सेस में है, यानी आपका लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे, वो हो जाएगा आपका 2.5 मोल ऑफ बी, ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, यही लिखा हुआ है यहाँ पे भी। ठीक है, इसी तरीके से देख लो यहाँ पे भी, ये भी समझ सकते हो आप 2.5 मोल ऑफ ए 5 मोल ऑफ बी, सेम यहाँ भी हो जाएगा है ना, 2.5 मोल ऑफ ए ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ये मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ये आप खुद से लिख लेंगे, आई होप, मुझे इतना आपसे उम्मीद है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है चलो, तो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन हो चुका है समाप्त। तो इसी के साथ अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है इसको हम समझते हैं क्या बोल रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है डाई नाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन, ठीक है, रिएक्ट विद ईच अदर, आपस में एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं अमोनिया, मतलब उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं अमोनिया कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो उन्होंने रिएक्शन भी दे दी अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, उन्होंने इक्वेशन भी दे दी है, जैसे ये लिखा हुआ है N2 plus H2 gives 2NH3, इसको मैं बैलेंस कंडीशन में लिख देता हूं, तो कैसे लिखेंगे बैलेंस कंडीशन में, N2 plus H2 gives 2NH3 था यहां पे, और यहां पे हो जाएगा आपका सिंपल 3H2 हो जाएगा, जो सिक्स हाइड्रोजन सिक्स हाइड्रोजन, रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब देखो यहां पे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ध्यान से समझना, यहां पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2 × 10⁻³ नाइट्रोजन, मतलब क्या बोल रहा है यहां पे, सिंपल मास ऑफ नाइट्रोजन दे दिया गया है कितना है, वो दिया हुआ है आपको 2 × 10³। ठीक है, फिर बोल रहा है विद रिएक्ट विद 1 × 10³ किससे, हाइड्रोजन, तो मास ऑफ हाइड्रोजन भी दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है सिंपल कितना 1 × 10³ ये दे दिया गया। तो देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, यहां पे यदि हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता लग जाएगा तो हम पता लगा लेंगे अमोनिया कितना मिलेगा। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या करोगे आप, तो सिंपल से देखो फंडा है, पहले मोल्स निकाल लेते हैं नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन के, हमें पता लग जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, फिर हम अमोनिया के मोल्स भी निकाल लेंगे और मास भी निकाल लेंगे कितना अमोनिया बनेगा। तो देखो इसके लिए एक काम करते हैं अपन, आपको मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालने हैं, यदि मोल्स ऑफ नाइट्रोजन तो वो कैसे निकालेंगे, देखो मास मास कितना दिया हुआ है 2 × 10³ 2 × 10³ डिवाइड बाई, अच्छा मोलर मास कितना होता है नाइट्रोजन का, एक नाइट्रोजन का 14 और दो नाइट्रोजन का 28, तो कितना हो जाएगा डिवाइड बाई 28। अब हमें इसको डिवाइड करना है, तो जो डिवाइड करने के लिए एक काम करते हैं, इसको देखो हम बना लेते हैं 1/14 लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 1/14 × 10³। अब मैं इसको डिवाइड करके दिखा देता हूं, आप लोग डिवाइड कर भी सकते हैं है ना, और नहीं करना है तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है आपको, तो आप देखो यहां पे क्या होगा 1/14 × 10³ है, अब 10³ है जो, तो देखो इसको हम कर देते हैं सॉल्व, आप सिंपल वो कितना हो जाएगा 1014 से हमें डिवाइड करना है, तो देखो कैसे करेंगे, अब ध्यान समझना, अब यदि हम 14 8 जा कितना होता है 14 8 जा 112 है ना, यही होगा। अब 14 7 जा कितना होता है देखते हैं, 14 7 जा 7 4 जा 28 और ये बचा कैरी आई 2, 7 1 जा 7 और 2 9, ठीक है 98 हो गया, फिर 2 बचा 0, 14 1 जा 14 फिर से आपका 6 बचा, अब देखो क्या बचा ये 6 बचा, अब पॉइंट लगाया 0 लगाया, ठीक है अब कितना हो जाए 14 4 जा 56, तो 14 4 जा 56 कर दिया, फिर से 4 बचा, फिर से 0 आ गया, अब देखो अब कितना आएगा यहां पे, सिंपल 14 4 जा 56 हो गया, अब देखो अब ये 40 बचा है, अब कितना है 14 2 जा 28 और 14 3 जा 42, तो 71.42 आ रहा है ये, सिंपल आपका कितना आ जाएगा 28 और ये 4 हो जाए, ये फिर से यहां पे क्या बचेगा, यहां पे 12 बचेगा, फिर से आप 0 लगाओगे, अब कितने टाइम जाएगा, अब ये 8 टाइम जाएगा, तो 71.428 आ रहा है, तो हम इसका यदि अप्रोक्सीमेशन लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, राउंड ऑफ करें इसको
फोर सिग्निफिकेंट फिगर पे, तो 71.43 आ जाएगा सिंपल। तो देखो यहां पे निकल के कितना आ गया, ये आ गया आपका 71.43 मोल आ गया, ठीक है, ये मोल आ गया। अब क्या होगा यहां पे नेक्स्ट, ये तो नाइट्रोजन लिख दिए, अब हमने निकालना है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे आप, तो देखो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मास दिया हुआ है, यदि आप देखेंगे तो मास दिया हुआ है, तो देखो क्या होगा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां पे आ जाएगा सिंपल आपका, ये आएगा 2 × 10³, तो ये मास ऑफ नाइट्रोजन था 1 × 10³, ये किसका मास था बोलो, ये था आपका हाइड्रोजन का मास डिवाइड बाय मोलर मास, कितना हो जाएगा, दो हाइड्रोजन दो हैं तो एक हाइड्रोजन का वन होता है, दो हाइड्रोजन का दो हो जाएगा मास, तो सिंपल यहां पे क्या कर देंगे हम डिवाइड बाय टू कर देंगे, तो कितना आएगा 0.5 × 10³, मतलब सिंपल आ गया 500 मोल। तो देखो ये आपके निकल के आ गए, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन भी निकल के आ गए। अब एक चीज नोटिस करना, ये कितने हैं 71.43 मोल और ये कितने हैं 0.500 मोल, तो एक बात तो समझ में आ रहा है यहां पे, तो लिमिटिंग कम मोल किसके हैं नाइट्रोजन के, है ना, यदि देखा जाए कम मोल सबसे किसके हैं नाइट्रोजन के हैं, जब नाइट्रोजन के सबसे कम मोल हैं तो यहां पे मैं एक बात पता लग सकता है, जो नाइट्रोजन होगा N2 वो क्या हो जाएगा आपका लिमिटिंग रेजेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा लिमिटिंग रेजेंट हो जाएगा। अब जब ये लिमिटिंग रेजेंट हो जाएगा, अब मुझे एक बात बताना आप सिंपल सी, यहां पे तो अब यहां पे यदि N2 की बात करें तो N2 आपका 71.43 मोल है, ठीक है, अब हाइड्रोजन भी कितना 500 मोल है, लेकिन हाइड्रोजन यूज कितना हो रहा है आपका, हाइड्रोजन जो यूज हो रहा है सिंपल वो कितना हो जाएगा, देखो सिंपल हाइड्रोजन हो जाएगा जो यूज होगा 71.43 × 3, कितना आ रहा है यहां पे सिंपल, यहां पे जो यूज हो रहा है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, जो नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है सिंपल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से नाइट्रोजन लिख देता हूं मैं यहां पे, ठीक है ना, N2 रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा यहां पे देखो 71.43 × 3, तो कितना हो गया 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, कैरी आई 1, 3 × 1 = 3 और 1 = 4, और 3 × 7 = 21, कितना हो गया 3 × 7 = 21, देखो यहां पे, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 214.29, इतने मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है, मतलब बाकी का जो मोल बचा हुआ है, जो बाकी का हाइड्रोजन बचा हुआ है वो क्या है आपका बोलो अनरिएक्टेड है यदि देखा जाए। तो यहां पे जो आपका आएगा सिंपल, यदि हम बात करें मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आपको कितने दिए हैं, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो हैं टोटल वो कितने हैं 500 मोल है, एक बात ध्यान रखना, तो एक बात तो क्लियर हो गई, ये 500 मोल है मतलब ये एक्सिस में है, ये बचेंगे ना अनरिएक्टेड है, तो अनरिएक्टेड है जब ये बच रहे हैं, यानी ये क्या लिमिटिंग रेजेंट में, जो नाइट्रोजन है वो क्या है लिमिटिंग रेजेंट है, तो यहां पे लिख सकते हो वेयर N2 इज लिमिटिंग रेजेंट, जब N2 लिमिटिंग रेजेंट है तो अब तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब देखो अब वो क्या पूछ रहा था पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, ठीक है अमोनिया प्रोड्यूस पूछ रहा है, तो देखो यदि आप देखोगे अमोनिया प्रोड्यूस पूछ रहा है, यदि रिएक्शन लिखें अपन यहां पे सिंपल, जो रिएक्शन आ रही थी N2 + 3H2 gives 2NH3 आ रही थी, ठीक है ये रिएक्शन। अब क्या होगा यहां पे ध्यान समझना, अब जब दो मोल अमोनिया बन रहा है, अच्छा लिमिटिंग रेजेंट कौन है नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन लिमिटिंग रेजेंट है तो अमोनिया कितनी फॉर्म होगी, देखो यदि आप देखो एक मोल नाइट्रोजन रिएक्ट कर रही है 3 मोल हाइड्रोजन के साथ, तो 2 मोल क्या बन रहा है अमोनिया। अब आपको पता है यदि यहां पे देखें सिंपल, तो N2 लिमिटिंग रेजेंट है तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कितना होगा बोलो, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो ध्यान समझना वो सिंपल कितना हो जाएगा,
वो सिंपल 2 इंटू, अब देखो ये इसके कितने मोल थे, 71.43, कितने 71.43 मोल। अब ये दो मोल बन रहा है अमोनिया, तो कितना हो रहा है बोलो। तो हम यदि बात करें एन टू रिएक्ट हाइड्रोजन से है, तो दो मोल अमोनिया बन रहा है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 71.43, तो कितना हो गया 2 3 6, ध्यान से समझना बहुत ध्यान से, 2 3 6 और 2 4 8, 2 1 2 और 2 7 14, ये ठीक है 142.86, ये अमोनिया फॉर्म होगा। कितना होगा ये अमोनिया, इसलिए अमोनिया के मोल्स हो गए, ये क्या हो गए मोल्स ऑफ अमोनिया, अमोनिया फॉर्म। अब क्या होगा बच्चा, ध्यान से समझना यहां पे, अब वो मास पूछ रहा था, तो मास के लिए क्या करोगे, अमोनिया मास ऑफ अमोनिया पूछ रहा है, तो मास ऑफ अमोनिया क्या होता है सिंपल, आप मोलर मास अमोनिया से क्या करोगे, मोल इंटू मोलर मास कर दोगे, तो आपका क्या गया मास ऑफ अमोनिया आ जाएगा। तो आप सिंपल आप जब करोगे 142.86 इंटू 17, ठीक है ना, अमोनिया का मोलर मास कितना होता है 17 होता है, देखो इस तरीके से आप देख सकते हो 14 प्लस 3 मतलब कितना हो गया 17। यदि आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा आपका सिंपल 2428.6 ग्राम अमोनिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, मास ऑफ अमोनिया इतना फॉर्मेशन हो जाएगा, पहला आंसर आ गया, ठीक है, क्या गया आपका पहला वाला आंसर आ गया। अब देखो दूसरा वाला देखते हैं, तो कैसे करेंगे ध्यान से समझना, दूसरा क्या है देखो, यहां पे पूछा था विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, हां भाई एक अनरिएक्टेड बच रहा था, दी एक अनरिएक्टेड बच रहा था, ये तो मैंने पहले भी बताया था, क्या हाइड्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन क्या था, नाइट्रोजन आपका लिमिटिंग एजेंट था, तो जो अनरिएक्टेड बच रहा था वो कौन बच रहा था, क्योंकि यूज कितने हो रहे थे इसके मोल, इसके मोल तो इतने यूज हो रहे थे, मिल कितने रहते 500 मोल, मतलब ये बचा हुआ है। तो यहां पे हाइड्रोजन क्या हो रहा था, यदि हम लिखना चाहें हाइड्रोजन विल रिमेन अनरिएक्टेड, अनरिएक्टेड, ठीक है। अब देखो अब ये थर्ड वाला क्या पूछ रहा है, ध्यान समझना, थर्ड वाला पूछा इफ यस, यदि है, इफ यस यदि हां, विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, यदि बच रहा है तो उसका मास बताना है कितना मास होगा। तो देखो यदि अब मैं आपसे बात करूं जो हाइड्रोजन यूज हो रहा है, हाइड्रोजन यदि बात करें तीसरे वाले की, हाइड्रोजन यूज इन ए केमिकल रिएक्शन, मैं यहां पर कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है, हाइड्रोजन यूज इन ए रिएक्शन, वो कितने हैं, वो हो रहे हैं आपके सिंपल 214.29 मोल, ठीक है। और आपके पास टोटल हाइड्रोजन कितना था यदि देखा जाए इन रिएक्शन, या कंप्लीट हाइड्रोजन कितना था इन रिएक्शन, वो आ रहा था आपका सिंपल 500 मोल, ठीक है। अब हम यहां पे देख लेते हैं सिंपल क्या देख लेते हैं, देखो अब आपको क्या देखना है यहां पे कि उसका मास क्या होगा, तो देखो माइनस कर देते हैं कितना अनरिएक्टेड बचा हुआ है, तो देखो यहां पे देख लेते हैं, यहां पे नेक्स्ट लिख लेते हैं, हाइड्रोजन इज अनरिएक्टेड, तो कितना अनरिएक्टेड होगा सिंपल यहां पे वो हो जाएगा 500 माइनस 214.29, ठीक है, इसको आप माइनस कर लो कितना आएगा, तो यहां पे सिंपल जो मोल निकल के आएंगे 285 आएगा, 71 के समथिंग आएगा, ठीक है, मोल आ जाएंगे, आप माइनस कर लेना, ठीक है, इतने मोल आ जाएंगे। एक बात ध्यान रखना, ये रिएक्शन में बात कर रहा हूं, इन रिएक्शन एक्चुअली टोटल कितना था 100, मतलब सॉल्यूशन में यदि आप देखोगे तो हाइड्रोजन रिमेन बच रहा है, क्या बच रहा है, हाइड्रोजन बच रहा है। अब देखो ध्यान समझना, मास पूछ रहा था, तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा सिंपल, मोल्स आ गए, मोल्स कितने दिए गए हैं यहां पे, मोल्स दिए गए हैं 285.71, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 2, बस मल्टीप्लाई करना है, वही आंसर 2 बन जाए 2, 2 से बन जाए 14, कैरी आई 1, ठीक है,
और कैरी आई 1 2 5 जट 10 और 1 11, तो कैरी आई 1 2 8 जट 16 और 1 17, कैरी आई 1 2 2 जट 4 और 1 5, 571.42 ग्राम आपका जो हाइड्रोजन होगा उसका मास बचेगा। अब देखो ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता था, कितना मोल बचेगा हाइड्रोजन तो आप मोल्स बता देते, आपसे मास पूछता तो आप सिंपल मोल इंटू मोलर मास कर देंगे तो आपका मास आ जाएगा। देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये लिमिटिंग रेजेंट का क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन नीट और जेई में भी बहुत पूछे जाते हैं और इसीलिए एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से करना चाहिए। बच्चे लोग करते नहीं है, एनसीईआरटी को छोड़ देते हैं, लेकिन नीट और जेई जिसको करना है ना तो एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते हैं इस तरीके के। तो आप देख रहे हो कितना मजेदार क्वेश्चन होगा था यहाँ पे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, यदि क्लियर नहीं है तो आप वीडियो को पीछे ले जाके जाएं, फिर से देखें, फिर पीछे जाएं, फिर देखें। और कैलकुलेशन वाला पार्ट है, मैंने केमिस्ट्री तो आपको बता दी है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद से भी कर सकते हैं या आप स्किप करना चाहें तो आप फास्ट मोड में भी देख सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी।